यो मेरे जिगर के छल्लो, कैसे हो आप लोग? वेलकम टू ऑन रोड डायरीज। और जैसा कि आप सब जानते हैं, दो दिनों से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। वीडियोस तो मेरे पास शूट किए हुए हैं, लेकिन मैं उन्हें एडिट नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आती जाती रहती है और मेरा लैपटॉप जो है उसका बैटरी ख़राब है, तो इसी वजह से मतलब उसका चार्ज जो है वो ज़्यादातर नहीं टिकता, इसलिए मैं वीडियोस जो है वो एडिट नहीं कर पा रहा हूँ। तो अभी आज मतलब मौसम भी ठीक ठाक है और बिजली जो है वो भी आ रही है, इसलिए सोच रहा हूँ कि आज ही एक वीडियो बना दूँ। और कुछ दिन पहले ना, जब मैं अपने फ्रेंड के घर पे जा रहा था, तो मेरे साथ एक मतलब एक एक्सीडेंट होते होते मैं बच गया। आइए आप उसकी क्लिप देखिए। हाँ, अभी जैसा कि आप लोगों ने देखा कि ये बकरी जो है वो अचानक से मेरे सामने आ गई, और मैं बस एक इंच का कैमरे में शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा अच्छे से, लेकिन सिर्फ एक इंच का फासला था सिर्फ। अभी देखो, सामने देखो, ये बकरी, गाय, अगर गलती से भी किसी ने ठोक दिया ना, तो सिर्फ राइडर की गलती, मतलब बकरी की गलती तो कभी होती नहीं। ठीक है, हम भी इंसान हैं, मतलब अगर हमने किसी अगर बकरी को या गाय के बछड़े को ठोक दिया, तो ऑब्वियसली हमें भी बुरा लगेगा उस एनिमल के लिए। बट फिर भी एक बार मेरे साथ भी ऐसा हादसा हुआ था। मैं और एक मेरा दोस्त जो है वो आईसीबी कॉलेज के पीछे जो रोड है उससे मतलब उसमें हम लोग ऐसे जा रहे थे, और हम लोग हमारे अपने साइड में थे, स्पीड थी करीबन 40-45 की स्पीड थी, और यहाँ से लेफ्ट साइड से एक और बाइक आ रहा था, और वो एक गाय का बछड़ा कुछ 7-8 दिनों का होगा वो, और वो मतलब था लेफ्ट साइड पे, एंड वो बछड़ा अचानक से उस बाइक को डॉच करते हुए मेरे बाइक के सामने आ गया, और क्या, फिर हो गया क्रैश। और उसके बाद जो हुआ, माय गॉड, यू वोंट बिलीव, मेरा जो ये घुटना था, पैर था, मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा कि मेरे पैर का हालत क्या है। सो ये जो मेरा घुटना था और पैर था, पूरा छिल चुका था, यहाँ पे मेरा हाथ वगैरह सब कुछ छिल चुका था, और उस बछड़े की जो मालकिन है और मालिक है, वो आके बोल रहे थे कि इन दोनों लड़कों को मारो, इनके बाइक और तोड़ दो, बहुत मारो इन्हें। अब यार सोचो, बकरी मतलब बछड़ा तुम्हारा, छोड़ा तुमने उसे रोड पे, फिर भी सोचो ना, कौन करता है ऐसा। अगर हमारा गलती होता तो मानता मैं, हम Everybody, everyone, I know. I smiled at them and said she told me so.